दूसरे स्टूडियोज भी देखो। सो अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है। मेन अमाइलेज इज प्रेजेंट इन अवर माउथ, बट माउथ में खाना थोड़े टाइम रहता है, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। देन व्हाट अबाउट अदर स्टार्च, जो बाकी का स्टार्च बच गया, आगे क्लासेस में पढ़ोगे, सिर्फ 30% जो भी हमने खाया स्टार्च उसका 30% माउथ में डाइजेस्ट हुआ, और बाकी का स्टार्च का क्या हुआ, क्या वो अनडाइजेस्टेड रहा? नहीं, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पेनक्रियाटिक अमाइलेस, इंटेस्टाइनल अमाइलेस, तो बाकी का स्टार्च अमाइलेसेस और कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो वहां पर जाकर डाइजेस्ट होगा। इज इट ओके? एनी अच्छा अदर? चलिए, वेरी गुड, यू हैव आस्क्ड गुड क्वेश्चन। हाँ जी, सेक्शन जी, कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप भी पूछ सकते हैं, एनी डाउट? नो नो। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने कल हमने शुरू किया था र्यूमिनेट स्टमक, यहाँ पे सिर्फ दो सेक्शंस हैं। सो पहली बात तो, विच आर र्यूमिनेंट्स? मैम, र्यूमिनेंट्स का मतलब है, हाँ मैम जी, कौन बताएगा बेटा? यस, एक बच्चा आके बोलेगा, एक बच्चा आके बोलेगा। यस, सेवंथ जी में से कोई बताए बेटा। ग्रास हाँ जी, हाँ ईटिंग जी एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमिनेट्स। बेटा, हम ये भी कह सकते हैं, हम और भी कह सकते हैं कि द एनिमल्स, अब ध्यान से सुनिए, र्यूमिनेंट्स का फोर क्या? चैम्बर्ड स्टमक। हाँ नहीं, मैं बताती हूँ, अब थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, वो भी ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जिसके पास र्यूमिनेट स्टमक है, फोर चैम्बर्ड स्टमक है, दैट इज ऑल्सो राइट, बट लिसन मी, दैट र्यूमिनेंट्स, दीज आर द एनिमल्स, जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है एनिमल्स, विच, बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, विच च्यू देयर कड। द एनिमल्स विच च्यू देयर कड आर कॉल्ड एज र्यूमिनेंट्स। ठीक है, च्यू देयर कड, कड का क्या मतलब है, अब बात आ जाती है, इसलिए ये साइंटिफिक डेफिनेशन है बेटा। ऑल ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे अगर हम ये कहें कि खरगोश है ना, रैबिट है, रैबिट ऑल्सो ईट्स ग्रास, डज इट हैज द र्यूमिनेट स्टमक? नो, रैबिट डज नॉट हैज र्यूमिनेट स्टमक। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रास खाते हैं बट उनके पास र्यूमिनेट स्टमक नहीं है, राइट? तो इसलिए वन स्टूडेंट हैज टोल्ड मी दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज र्यूमिनेंट्स। ठीक है, ये गलत है। तो सबसे, विच च्यू देयर कड, पहली बात, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ध्यान से, बातें बाद में, बातें बाद में। व्हाट डू यू मीन बाय कड? पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। यस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सेवंथ सी, सेवंथ जी ने आंसर ठीक दिया है। कड जो है सेमी डाइजेस्टेड फूड, आपने पार्शियली डाइजेस्टेड कहा, बिल्कुल ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको इजी कर दिया, कई बार पार्शियल नहीं याद आता है। सेमी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज कड। विच च्यू देयर कड, जो जुगाली करते हैं, पहले घास खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, सेवंथ ए, सेवंथ ए, अगेन, सेवंथ बी फंक्शनल है, यस, सो पार्शली डाइजेस्टेड फूड, तो हमने कहा कि जो जुगाली करते हैं, ठीक है, पहले खाते रहते हैं, फिर थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड फिर मुंह में आता है, राइट? तो व्हेन इट कम्स अगेन इन द माउथ, देन दे च्यू दैट सेमी डाइजेस्टेड फूड, दैट इज कॉल्ड एज च्यूइंग देयर कड, राइट? सो दिस इज च्यूइंग देयर कड। उसके बाद
ruminants have compound stomach. देखो सेवंथ सी का ना माइक, रूमिनेंट्स हैव कंपाउंड स्टमक, ठीक है जी। तो कंपाउंड स्टमक का आपको पता है दैट इज मोर देन वन चैम्बर। एवरीबडी राइट डाउन इन देयर असाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रूमिनेंट्स? एवरीबडी जल्दी से लिख लो। द एनिमल्स विच च्यू देयर कड, कड इज द सेमी डाइजेस्टेड फूड एंड रूमिनेंट्स हैव कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक मीन्स विच हैव मोर देन वन चैम्बर्स। कुछ प्रॉब्लम है। विच हैव मोर देन वन चैम्बर्स, आगे ठीक है जी। तो कौन से चैम्बर्स है? फर्स्ट है र्यूमन, सेकंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम, फोर्थ है एबोमेसम। र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड ओमेसम। सेवंथ जी म्यूट करो बेटा। हाँ जी सेवंथ सी वाले कुछ बता रहे हैं। हाँ जी मैम यूज डार्क मार्कर। ओके बेटा ओके। एक मिनट बस। इज इट क्लियर? चलिए यस बस। एवरीबडी राइट डाउन। द फोर चैम्बर्स आर र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। जिस जिसने कर लिया रेज योर हैंड्स। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सेक्शन जी हैज डन। ओके सो राइट डाउन, र्यूमन लार्जेस्ट चैम्बर। र्यूमन लार्जेस्ट चैम्बर हैज सेल्यूलोस। सेल्यूलोस सेल्यूलोज डाइजेस्ट, डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। वेरी गुड, डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। विच प्रोड्यूस, ये भी याद रखना है, विच प्रोड्यूस मिथेन गैस। तो बेटा जब ये र्यूमिनेंट एनिमल्स बर्प्स लेते हैं, बर्प्स का मतलब है डकारे लेते हैं या पूप्स है, ठीक है, तो उन सब में मिथेन गैस बाहर निकलती है, राइट? व्हेन दे पास गैस आउट, विच गैस पासेस आउट थ्रू पूप, दैट इज मिथेन गैस। व्हेन दे बर्प्स, जब इनकी डकार आती है तब कौन सी गैस होती है? मिथेन गैस है। और जब इनकी देयर फीसेस, जब इनकी फीसेस गोबर बाहर आता है उसमें भी बहुत सारी मिथेन गैस है। तो जहां पे बहुत ज्यादा गोबर हो वहां पे रुकना मुश्किल हो जाता है, वहां पे हमें सांस नहीं आती क्योंकि इट हैज लॉट ऑफ मिथेन गैस, राइट? ये पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू। शायद आपके टीचर तो ना पूछे भी कौन सी मिथेन गैस आती है या कौन सी गैस, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट।
सेलुलोज पार्ट इज डाइजेस्टेड वेयर? इट इज डाइजेस्टेड इन र्यूमन। ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद एबोमेसम, एबोमेसम सिक्रीट्स HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है और HCl है, मतलब पेप्सिन है, वो कहां पे सिक्रीट होता है? एबोमेसम में। सेवंथ ए फर्स्ट रो बॉयज। बेटा अगर पीछे देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना, आगे सीधे देख के बैठो। सो सिक्रीट्स HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। देयरफॉर यस, अब मैं पूछती हूँ किससे? सेवंथ डी वालों से। सेवंथ डी में बेटा मेरे पास आ जाना है। नैतिक, नैतिक इज देयर सेवंथ डी। मैम यस। आ जा बेटा नैतिक, आ जा। अब मुझे ये बताना है कि जो इसमें से कौन सा चैम्बर, चार चैम्बर्स मैंने बताए हैं, इसमें से कौन सा चैम्बर ह्यूमन स्टमक की तरह काम करता है? विच चैम्बर, मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ, विच चैम्बर ऑफ रूमिनेट स्टमक इज सिमिलर टू द ह्यूमन स्टमक? देखो दोबारा से, रूमन में बैक्टीरिया है, एबोमेसम में HCl एंड गैस्ट्रिक जूस है, बाकी ज्यादा काम नहीं कर रहे, ये दो का मेन काम है। विच चैम्बर? मैं नो सेवंथ डी, नैतिक विल टेल मी ओनली। यस एबोमेसम। वेरी गुड नैतिक, बैठो बेटा। एबोमेसम बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमारा स्टमक सिक्रीट्स HCl एंड पेप्सिन एंड अदर जूसेस एंड म्यूकस। लाइक वाइज एबोमेसम ऑल्सो सिक्रीट्स पेप्सिन म्यूकस एंड HCl। देयरफोर एबोमेसम इज कॉल्ड एज ट्रू स्टमक। एबोमेसम इज कॉल्ड एज ट्रू स्टमक। इज इट ओके? यस चलिए अब मैम जल्दी जल्दी से, अब क्या हुआ ये देखो, जैसे ये बना हुआ है मैं एक बार बनाऊंगी, साथ साथ आपने मेरे साथ बनाना है। दिस इज फूड पाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है ईसोफेगस। दिस इज, थोड़ा सा हम खुली बना ले, दिस इज फूड पाइप। देन दिस फूड पाइप ऑन वन साइड इट ओपन्स इनटू रेटिकुलम एंड ऑन अनदर साइड इट ओपन्स इनटू र्यूमन। दिस इज ऑल र्यूमन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास और कौन से है? यहां से खाना इधर से रेटिकुलम में आया, रेटिकुलम से गया ओमेसम में, और ओमेसम में, ओमेसम के बाद देन इट गोज इनटू एबोमेसम। दिस इज ऑल एबोमेसम एंड फ्रॉम एबोमेसम इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट राइट? बनाओ साथ में। सबसे पहले ईसोफेगस, फूड पाइप,
कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आ जाना है। देन देयर इज, ये राउंड सा बनाओ यहां तक, दिस इज र्यूमन, यहां पे बंद करो। देन रेटिकुलम, छोटा सा चैम्बर, रेटिकुलम। देन दिस इज ओमेसम, और फिर एबोमेसम। एबोमेसम के बाद ये रेड वाली जो है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट ओके? एवरीबडी हैज ड्रॉन, टीचर्स प्लीज चेक, सबने बनाया? क्योंकि बेटे अगर ये नहीं बनाओगे ना, फिर नहीं समझ, फिर रट्टा है, फिर क्रैमिंग करोगे आप। अगर बनाओगे तो पता चलेगा भी कैसे काम हो रहा है। मैम, आई हैव अ डाउट अबाउट द रूमिनेट स्टमक। हाँ जी बोलो बेटा। मैम, हमारी जो बुक है उसमें ऐसे दिया हुआ है, पहले फर्स्ट चैम्बर में जाके फूड, फिर सेकंड में जाके रीचिंग के बाद वो सीधा थर्ड चैम्बर में एंटर करता है। पहले फर्स्ट चैम्बर में गया, फिर सेकंड में गया, फिर बाहर नहीं आया? मैम यस मैम, उसके बाद सीधा थर्ड चैम्बर में। नहीं सीधा नहीं, वो मतलब आई डोंट नो। हम ऐसे करना कि मैम को कहना कि मुझे फोटो खींच के भेजेंगे अपने बुक की, ठीक है? अदरवाइज इसी तरह से, नहीं ऐसे नहीं कि सीधा थर्ड में आएगा, मैं अभी बताती हूँ, आई विल टेल यू। अभी ओके अगले इसमें हम बताएंगे भी मैम। कैसे। ऑल ड्रॉन, रेज योर हैंड्स हु हैव ड्रॉन दिस, वेरी गुड। चलिए ये देखिए जी, दिस इज अगेन, आप इसको भी देख सकते हो, ये देखो वैसे ही जैसे मैंने बनाया था वैसे ही है ये, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक? तो चलिए हम थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे काम किया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस हाँ चलिए, बस 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 बस। सबसे पहले जो है, खाना कहाँ पे गया? फूड पाइप। फूड पाइप से गया र्यूमन में, र्यूमन में पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस, पार्शियल डाइजेशन है, दिस इज कड। देन बाय रिवर्स पेरिस्टेल्सिस, दिस कड इट मूव्स अगेन इनटू माउथ वेयर इट इज च्यूड प्रॉपरली, दोबारा से च्यूइंग हुई, राइट? एक बनाओ अपने इससे बनाओ कि फर्स्ट माउथ, इसोफेगस या फूड पाइप, देन र्यूमन, इसमें क्या हुआ? कड मतलब पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। ऑफ सेल्यूलोस तो बनी कड, और दिस कड अगेन मूव्स इनटू इसोफेगस एंड देन टू माउथ बाय किससे? रिवर्स रिवर्स पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेलिसिस। लिखो जरा जल्दी से, बाय रिवर्स पेरिस्टेल्सिस। देन
मैम जी आपने साइड वाला लिखा है मैम, दिख नहीं रहा अच्छी तरीके से। हाँ यही मैंने बताया, देखो अब दिखेगा, माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से र्यूमन, र्यूमन में पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, पार्शियल डाइजेशन जाएगा ऑफ 7th G बेटा, बेटा। पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और वो क्या बना, कड कड, फिर रिवर्स पेरिस्टेल्सिस, ईसोफेगस में गई, ईसोफेगस से माउथ में, देन फिर चूइंग, प्रॉपर चूइंग, चूइंग ऑफ फूड, अब ये सेकेंड स्टेप है इन माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर बेटा र्यूमन में, र्यूमन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सारा नहीं हुआ था, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, मैंने आधा लिखा है, आपने पूरा लिखना है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, र्यूमन से गया रेटिकुलम, रेटिकुलम से गया ओमेसम, ओमेसम्स में गया एबोमेसम, एबोमेसम में क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और फिर गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस एंड ऑल दैट, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है, हाँ हाँ जी मैं दोबारा से बता रही हूं, सबसे पहले माउथ में, माउथ ईसोफेगस, र्यूमन में, र्यूमन में, र्यूमन में थोड़ा सा सेलुलोज डाइजेस्ट हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड फूड कड फिर माउथ में आई, जहां पे प्रॉपर च्यू किया खाना, ठीक है, फिर वो च्यूइंग के बाद फिर दोबारा से खाना ईसोफेगस में, फिर र्यूमन में, र्यूमन के बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम, एक्सक्यूज हाँ जी मी मैम, आई हैव एन डाउट। बोलो बेटा, बेटा सीधे खड़े हो, यस अब बोलो, सीधे खड़े होके माइक अपने हाथ में लो, हाँ जब काऊ अपने मैम कट को खाती है, मैं उसके बाद मैं सीधा मैं फोर्थ चैम्बर में नहीं जाता फूड। नहीं बेटा, जगह तो वही है ना, फिर र्यूमन में, रेटिकुलम में, ओमेसम में, एबोमेसम में, ये देखो ये मैंने सारा लिखा है, जब वो च्यू करके दोबारा से अपनी घास को खाती है, मतलब या अपने कड को खाती है, च्यू करती है, उसके बाद र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम यहां पर जाता है, एंड दिस इज द राइट वन, ठीक है, आई डोंट थिंक कि भी आपकी बुक में कुछ गलत बनाया होगा, इंटरप्रिटेशन आपकी गलत हो सकती है, ठीक है, बट ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए बनाओ, पहला ये है, फिर रिवर्स पेरिस्टेल्सिस से माउथ में गया, फिर प्रॉपर च्यूइंग माउथ की यहां पर हुई, और फिर ये गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, बेटा रेटिकुलम ओमेसम में भी थोड़ा थोड़ा खाना टूटता रहता है ना, ऐसा नहीं कि इनका कोई फंक्शन नहीं है, टूटता रहता है, डाइजेशन नहीं हो रही बट टूट रहा है, पीसेस में टूट रहा है, कट रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, चलिए जी चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा 7th B, हाँ जी मैम एनिमल्स क्यों रिवर्स पेरिस्टेलिसिस कर सकते हैं मैम, ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते? बेटा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है,
हमने पहले ही च्यू कर लिया, हम सेलुलोज खाते, हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं होता, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, हम खाना पका कर खाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें च्यूइंग ऑफ कड की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई ओनली फ्यू एनिमल्स, सिर्फ कैटल जो है, रूमिनेंट्स जो है, वो च्यू देयर कड करते, वो रिवर्स पेरिस्टेल्सिस। हमारे में जो रिवर्स पेरिस्टेल्सिस होती है वो सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशंस में है, जैसे कोई किसी बच्चे ने कहा था जब नोजिया हो जाता है, हम फ्लाइट्स में जाते हैं या हम पहाड़ों में जा रहे हैं तब हमें वोमिटिंग होती है, या फिर एसिडिटी हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग है तब रिवर्स पेरिस्टेल्सिस होती है, ठीक है जी। चलिए सेवंथ बी, गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर जल्दी से आ जाओ बेटा, M3 करनी है हमने, अपने असाइनमेंट लेकर आना। द मूवमेंट ऑफ फूड, M3 कर रहे हैं हम, खोलो जल्दी से, बोलो बेटा। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू इसोफेगस इज एडेड बाय द मसल्स ऑफ द इसोफेगस, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा गुरजिंदर? आपकी आवाज आई नहीं मुझे। ऑप्शन बी ऑप्शन पेरिस्टेल्सिस, आई थिंक आपने यही कहा है। यस इट इज पेरिस्टेल्सिस, वेरी गुड। सेवंथ बी अनदर स्टूडेंट दैट इज वरुणदीप, सेवंथ बी वरुणदीप, क्वेश्चन नंबर 24, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट, किस किस में होती है, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कि ऑल ऑफ दीज? सिर्फ इसोफेगस में बेटा, कि ऑल ऑफ दीज? प्लीज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बेटा खाना तो इसोफेगस से नीचे जाना है ना, तो कैसे जा रहा है, पेरिस्टेल्सिस से जा रहा है, तो जिसको नहीं पता वो लिख लो, बैठो बेटा, वेरी गुड, कि पेरिस्टेल्सिस स्टार्ट्स इन द इसोफेगस एंड एंड्स इन द रेक्टम, रेक्टम के थ्रू फीसेस बाहर चली जाती है, इट स्टार्ट्स इन इसोफेगस एंड एंड्स इन द रेक्टम। हाँ जी इसोफिगस का स्पेलिंग गलत बेटा, ई से भी शुरू हो जाते हैं, ओ ई से भी शुरू कर देते हैं, ये अमेरिकन एंड यू नो यूके की इंग्लिश में थोड़ा सा ई एस ओ बी है, ओ ई एस ओ बी है, एक ही बात है। ओके मैम। 25th, सेवंथ सी जपलीन, जपलीन देयर, सेवंथ सी। बेटा अपना पहले तो जूम से माइक ऑन करना और फिर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25th पढ़ो, इतनी देर जूम से माइक ऑन होता है। हाँ हाँ जी हो गया बेटा। चलिए सेवंथ सी जपलीन, बेटा क्वेश्चन नंबर 25th, यस, क्या आंसर आएगा बेटा 25th का? द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टेल्सिस एंश्योर्स, हाँ जी बेटा, ए आंसर इज ए, वन वे मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जपलीन ने आंसर ठीक दिया, वन वे मूवमेंट ईसोफेगस से शुरू होती है, एनस तक जाती है, तो एक मूव फूड जो है एनस से वापस नहीं आता है, ठीक है, आप सोचो कि पोटी जो है वो वापस मुंह में आ रही है, हाय सो बैड, ठीक है, तो खाना ईसोफेगस एनस की तरफ जा रहा है। सेवन सी वन मोर स्टूडेंट, वंश, वंश इज देयर, वंश बेटा आगे आ जा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से आ जा जल्दी से भाग कर। वो कहता है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं, सिर नीचे और टांगे ऊपर, तब भी खाना बाहर नहीं आता है, क्यों नहीं आता? एस पेरिस्टेल्सिस अकर्स टुवर्ड्स एनस, और बेटा बी भी ठीक है कि जब खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया तो वहां पे दरवाजे बंद हो गए, फिर दोबारा इंटेस्टाइन से स्टमक में नहीं आ सकता, तो बेटा दोनों ठीक है, इट इज ए एंड बी, आंसर इज सी, बैठो बेटा, आपने आंसर वैसे ठीक दिया, ये आपको नहीं पता था मैंने बता दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है
क्वेश्चन नंबर 27, सेवंथ डी में आ जाइए बेटा। जशन, जशन इज देयर सेवंथ डी। मैम यस। आ जा बेटा। सेवंथ डी बेटा जशन। हाँ जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आइडेंटिटी विच एनेबल द विलाई। विलाई का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ठीक है। ठीक है। विलाई विलाई कैसे, कैसे कहाँ से से स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटर किधर से इतनी आवाज आ रही है। यस, विलाई जो है इट इज दिस फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है विलाई, यहां से खाना जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है यहां से, ब्लड में जा रहा है यहां से खाना, ठीक है। तो विलाई में ऐसी क्या है कि इसके थ्रू खाना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। हाँ जी बेटा बोलो। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है। यस, सेवंथ डी। गुरजोत बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू है। सेकंड देखिए, दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ट्रू फॉल्स। रुक जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दे हैव स्मॉल पोर्स, पोर्स नहीं होते विलाई में, है ना। बी भी ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू नहीं है। छेद नहीं होते हैं, पोर्स नहीं है इसमें। दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बताइए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सो आंसर इज ए, 1, 2 एंड टू फोर, एंड ठीक है। सो आंसर इज ए, 1, 2 एंड 4। गुरजोत बेटा बैठो आप। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोजेस ए रूमिनेट स्टमक। सेवंथ ई, सेवंथ ही मानव, मानव जल्दी से, सेवंथ ही क्विक। काओ। काओ, वेरी गुड, काओ इज राइट। देन सेवंथ ई, देवांश। यस, 29th छोड़ दो, ये आ जाओ 30th पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट इन ह्यूमिनेट स्टमक। सेवंथ ही देवांश। मैम कहना बेटा है देवांश को बोलने दो, देवांश को। हाँ, देवांश बोलो। मैम ह्यूमन। वेरी गुड र्यूमन, वेरी गुड। चलिए बैठिए। सेवंथ एफ, सहजदीप। सेवंथ एफ, सहजदीप। ए बेबी पास्ड वॉटरी स्टूल फॉर 2 डेज। द डॉक्टर सजेस्टेड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर द बेबी। हाउ वुड द ओआरएस हेल्प्स द बेबी। सेवंथ बी। मैम वी हैव डन द क्वेश्चन। यस, ये हम क्वेश्चन कर चुके थे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ये कौन सा क्वेश्चन पूछू। आई एम सॉरी, हम क्वेश्चन हमने करना है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रूमिनेशन च्यूइंग देयर कड इन रूमिनेंट एनिमल्स। यस, प्लीज रिपीट द नेम। सेवंथ बी में आ जाइए। सेवंथ बी से मैंने क्वेश्चन पूछा है। सो नाम है जी वरुण दीप। वरुण से तो हम पूछ चुके हैं। हरकीरत, हरकीरत इज देयर। बेटा क्यों, वो च्यू देयर कड क्यों करते हैं, दोबारा से जुगाली क्यों करते हैं। एक बार चला गया खाना अंदर, ठीक है, बार बार क्यों। माउथ में चू का क्या काम है, बस ये बताओ। हाँ ब्रेकिंग डाउन सेलुलोस, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मेन क्या है,
कौन सा सेंटेंस बोलो बेटा? मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा? ब्रेकिंग नहीं बेटा, देखो क्वेश्चन पूछा है, ब्रेकिंग डाउन सेलो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चूइंग देयर कड, दोबारा से कड च्यू करने का क्या मतलब है बेटा? तो मतलब मेन इसका ये है कि टू मिक्स फूड विद द सलाइवा, सलाइवा में अमाइलेस एंजाइम है जो खाना आगे काम करेगा, ठीक है? सो आंसर इज बी, मेनली बी और सी दोनों है, बट इसमें बी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट है। बैठो बेटा, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32, 7E में से हमने पूछा था बेटा, 7E में से आ जाइए बेटा। वंशिका, अभी बेटा वंशिका से पूछ ले, फिर आपसे पूछते हैं। विच गैसेस प्राइमरीली प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन रूमिनेट स्टमक, मैंने बताया है ऑप्शन बेटा, आंसर बोलो। मिथाइन। मिथेन, वेरी गुड, इट इज मिथेन इज प्रोड्यूस्ड। बैठो बेटा, 7F सान्या, 7F सान्या मैम शी इज एब्सेंट एब्सेंट। है, तो फिर दिलप्रीत आ जाइए। दिलप्रीत, क्वेश्चन नंबर 33, रूमिनेट स्टमक अलाउज रूमिनेंट एनिमल्स टू ए डाइजेस्ट सेलुलोस एफिशिएंटली, वेरी गुड। बैठो बेटा, 7G, 7G में आ जाइए बेटा। अनामिका, क्वेश्चन नंबर 34, मैम एंजाइम्स सीक्रेट्स बाय रूमिनेंट्स। नहीं बेटा, नहीं यहाँ बेटा, यहाँ एंजाइम पहले पहले माइक ऑफ करो कि सेलुलोस कौन डाइजेस्ट करता है, आपको पता है र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया है बेटा, आपने ही मुझे बताया सेलुलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। सो आंसर इज एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय सिक्रीटेड बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक का मतलब होता है बेटा कि वो हमसे फायदा ले रहा है, हम उनसे फायदा ले रहे हैं, ठीक है? सो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो उसके स्टमक में होता है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, रूमिनेंट एनिमल्स हम करते एनिमल हम हैं ये बेटा। 7G अब माइक ऑफ रखो बच्चे। रूमिनेंट एनिमल्स हैव ए रूमिनेंट स्टमक विच अलाउज देम टू एफिशिएंटली डाइजेस्ट प्लांट मैटर। प्लांट मैटर का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो, सेलुलोस। रीजन है, द रूमिनेंट स्टमक कंटेन्स स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स दैट फैसिलिटेट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, मतलब माइक्रोबियल डाइजेशन, माइक्रोब्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज। देखो बेटा, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, कंपाउंड स्टमक क्यों है? ताकि सेलुलोज डाइजेस्ट हो सके। क्यों? बिकॉज कंपाउंड स्टमक के रूमन में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। सो आंसर इज ए। 36, यस, हु विल टेल मी द आंसर ऑफ 36, रेज योर हैंड्स। 7D, 7D में दो ही स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हैं बेटा, और किसी का नहीं खड़ा। एनी अदर? पीछे से, यस, मिडिल रो लास्ट बेंच पे एक लड़का है, आ जाओ भाग कर आओ फटाफट। 7D मैम कहना है अश्विन बेटा, बस इसका नेक्स्ट आप बताना। 7D, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, अश्विन ट्रू। र्यूमन इज द लार्जेस्ट स्टमक, बिल्कुल ठीक है। रीजन बेटा, रीजन फॉल्स है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड तो एबोमेसम के बाद जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है? इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ना 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 ना, ना है सी क्योंकि पार्ट में बैक्टीरिया, ठीक है? तो आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है? बैठो बेटा, 7B में फर्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी, मे आई वाला, 37, हाँ बोलो। रेगरगिटेट, रेगरगिटेट मीन्स वोमिट करना, बाहर करना। देखो असर्शन ट्रू है, यस, ठीक है। 37th इज ए, राइट। रीजन बताइए,
नहीं, रीजन ट्रू है कि गलत है? क्यों? फॉल्स। एबोमेसम मैंने क्या बताया था? एबोमेसम एबोमेसम ट्रू स्टमक है, यही तो बताया था बेटा। दोनों चीजें, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, सो आंसर इज बी, बीटा, बॉम्बे वाला बी। 38, 7th G। कैन हाँ जी, कौन कह रहा है? हु 7th D में कोई कह रहा है? हाँ जी, हु विल टेल मी? यस, चलिए 7th G वाले बताएं मुझे। 7th G में बेटा सोनाक्षी, 7th G सोनाक्षी। यस द ह्यूमिनेट स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस, ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नहीं बेटा, ये नहीं बेटा, ट्रू है, ठीक है। मिथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस में आपको बताऊंगी ग्रीन हाउस गैस का, जो गर्मी रखता है, जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, एंड वन इज मिथेन। दिस इज ट्रू, मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मेक इट इम्पोर्टेंट। हाँ जी, फिर बताइए, रीजन बताइए। बेल्चिंग का मतलब होता है डकारे लेना, बर्ब्स करना, या फिर पूप्स करना। रीजन की स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है, रूमिनेट स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस, ये ठीक है। द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस मिथेन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट विच इज देन रिलीज थ्रू बेल्चिंग, ये भी ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती, सो आंसर इज बी, बीटा बॉम्बे, बीटा। ठीक है, बॉम्बे। चलिए जल्दी से, 2 मिनट हमारे पास है। स्टडी बेस्ड, वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब? न्यूट्रिएंट 7th G, मम्मी मैम, 7th G। हाँ, मम्मी आंसर मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल ठीक है। 7th G, माइक बंद कीजिए। 7th F, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन? 7th F, मम्मी 7th G, अपना माइक ऑफ करो बेटा। 7th F, आई सी पार्ट। सी पार्ट, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। वेयर डज द वेस्ट मटेरियल पास इनटू आफ्टर लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन? कैन आई यस, 7th D, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड हाउ इज, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कीजिए, हाउ इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड नहीं लिखा हुआ वो लिख लो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज एलिमिनेटेड थ्रू रेक्टम एंड एंड एक चीज बस मैं आपको एक और बताऊंगी, देन वी विल लीव द क्लास, कि हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट बेटा, डाइजेशन इज, मैं आपसे पूछती हूं, आपसे, कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी। आई हैव एक मिनट बेटा, मैं आपका डाउट भी लेती हूँ, उसके बाद डाउट। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से इधर बेटा, लास्ट पॉइंट, 2 मिनट की बात है बस। क्यों इतनी बातें हैं, क्यों इतनी बातें हो रही है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में द वॉटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड
एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू फीसेस, ठीक है, एंड फीसेस आर स्टोर्ड इन रेक्टम, पासेस थ्रू एनस, ये आप सबको पता है। डाउट किसी ने पूछना था वो पूछो, किसी ने पूछना, किसने पूछना था, हाँ जी बोलो। मॉड्यूल 2 18 क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 18 क्वेश्चन, बेटा देख लो शायद सभी का ही हो। हाँ जी रिहाइड्रेशन, हाँ जी इसमें क्या है बेटा, को इसका आंसर है डी कि भी ORS क्या करता है, ORS जो हमें वोमिटिंग से मिनरल्स बाहर निकाल दिए, पानी बाहर निकल गया, हमारी बॉडी में पानी कम रह गया, तो ORS पानी और मिनरल्स हमारी बॉडी में ऐड करता रहता है, ठीक है। चलिए आई थिंक इट्स ओवर नाउ, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसका बेटा टेस्ट तैयार कर लेना, मे बी ऑन सैटरडे और मंडे यू विल हैव ऑब्जेक्टिव टेस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। Bye, bye. Bye. Bye.